अस्सलाम वालेकुम। 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का चौथा हफ्ता, योर बेबी चौथे हफ्ते में बेबी की डेवलपमेंट कितनी होती है, योर बॉडी चौथे हफ्ते में आपकी बॉडी में कौन सी अलामत शो होती हैं, टिप्स चौथे हफ्ते के मुतालिक कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। योर बेबी इस हफ्ते में एम्ब्रियो जो कि आगे जाके फीटस बनेगा, बच्चा बनेगा, प्लेसेंटा यानी कि ऑल अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाड़ू, अम्नियोटिक फ्लूइड एक थैली पानी की थैली जिसके अंदर बेबी होता है इसको अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। चौथे हफ्ते में ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तस्वीर में आप बेबी की डेवलपमेंट देख सकते हैं। गोल गेंदनुमा जो हिस्सा है वो अम्नियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर बेबी होगा, और जो डिस्क नुमा आपको प्लेट नज़र आ रही है वो बेबी का प्लेसेंटा होगा। इसी हफ्ते में बेबी के लंग्स यानी कि फेफड़े बनना शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइंस यानी कि आंते, लिवर्स मतलब जिगर, हार्ट, दिल, सेक्स ऑर्गन इसी हफ्ते में पता चल जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बोन्स, हड्डियाँ, किडनीज, गुर्दे, हेयर्स, बेबी के बाल बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन, बेबी की जिल्द बनना शुरू होती है, आइज, आंखें, नर्वस सिस्टम यानी कि बच्चे का दिमाग बनना भी इसी हफ्ते में शुरू हो जाता है। योर बॉडी अब आपकी बॉडी में कौन सी अलामत शो होंगी, मिस्ड पीरियड्स, सबसे पहले आपके आपको पीरियड्स नहीं आएंगे जिसे कि आम जबान में दिनों पर होना कहते हैं। अगर आप यूरिन से अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मैं आपको पिक दिखा रही हूँ कि इसमें दो लाइंस शो हो रही हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। बस खवातीन कन्फ्यूज़ हो रही होती है, उन्हें पता नहीं चल रहा, इसीलिए ये पिक आपको दिखा दी गई है ताकि आप कन्फर्म कर सकें। एक्स्ट्रा 15 बीट्स पर मिनट, आपके जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगी आम रूटीन से। सर्वेक्स सॉफ्टनिंग एंड कलर चेंज, आपके बच्चेदानी का मुंह जो है वो नरम हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इंटरनल चेंज है, ये आप नहीं देख सकती। आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होंगे, आपको नोज़िया फील होगा, नोज़िया मतलब कि आपको मतली फील होगी, या ये किसी भी टाइम ज़्यादातर सुबह के टाइम फील होगी। मेटैलिक टेस्ट, आपके मुंह का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादातर ये कड़वा हो जाता है आपका मुंह। टिप्स इस चौथे हफ्ते से मतलब कुछ टिप्स आपके साथ ये हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करनी है, नॉट स्पॉइलिंग द थॉट, अपना गला ख़राब नहीं करना, आपने खट्टी चीज़ों और बाहर के खानों से परहेज़ करना है ताकि आपका गला ख़राब ना हो। अवॉइड स्टेयर्स, आपने सीढ़ियाँ कम उतरनी चढ़नी है, डोंट लिफ्ट द वेट, आपने वज़न नहीं उठाना, डू नॉट सिट ऑन योर फीट, अपने पाँव के बल नहीं बैठना, डो नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन। जैसे कि आप वीडियो में शुरू में देखा है कि बेबी के इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो बॉडी के बनना शुरू होते हैं हो जाते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि कोई भी दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ना लें ताकि आपके बेबी के बॉडी पार्ट सब सही सलामत बने। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडोल और फॉलिक एसिड ले सकती हैं, इसके अलावा वोमिट के लिए जो आप मेडिसिन लेनी चाहें वो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही वो लें। चौथे हफ्ते से मतलब अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली आपको वीडियो मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।